आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई 2020 का मेन 9th जनवरी पेपर, विच इज़ फ्रॉम शिफ्ट वन एंड इट इज़ मेमोरी बेस्ड पेपर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो देखिए क्वेश्चन जो ये है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें यदि मैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस को, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको मान लेते हैं ए नोट, ठीक। तो जो रेडियस होती है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यदि मैं आर फोर की रेडियस देखूं तो आर फोर अपॉन आर वन ये हो जाएगा फोर स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर, मीन्स फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस होगी 16 टाइम्स ऑफ आर वन। और यदि मैं आर वन को ए नोट बोल देता हूं तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब वेवलेंथ और इसका क्या रिलेशन है कि फार्मूला में याद रखना चाहिए कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जहां सर्कमफेरेंस इज एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि अगर वेवलेंथ कितनी नंबर ऑफ वेव्स होगी, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो टोटल सर्कमफेरेंस जो है ये हो जाएगी 2 पाई आर। और अगर ये नंबर ऑफ वेव्स जो है एन ले ली मैंने, एक वेवलेंथ जो है हम लैम्डा माने, तो एन एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करता है एन नंबर ऑफ वेव्स को, ठीक। और नंबर ऑफ वेव्स या फिर मैं इसको नंबर ऑफ ऑर्बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक। तो अब ये लैम्डा के बारे में पूछ रहा है, तो एन इज इक्वल टू फोर बिकॉज फोर्थ ऑर्बिट, एंड आर फोर इज गिवन एज 16 ए नोट। यदि हम इसको सॉल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 8 पाई टाइम्स ऑफ ए नोट, वेयर ए नोट इज अ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। सो द आंसर इज थर्ड, 8 पाई ए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं O2, O2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 प्लस एंड O2 माइनस, ठीक। तो अब देखिए सॉल्यूशन पर हम आते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर जो है हम किसके बेसिस पे लिखेंगे, MOT के बेसिस से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्डर हम फॉलो करने वाले हैं वो ये ऑर्डर है, ठीक। सपोज कीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ O2, O2 मीन्स 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या करना है, 16 इलेक्ट्रॉन को भर के देखना है। हम भरने का ऑर्डर इधर से स्टार्ट करेंगे आबाव प्रिंसिपल के हिसाब से, बिकॉज एनर्जी जो है इस हिसाब से इधर जाने पे इंक्रीज करेगी। अब आपके पास ये 16 इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं, 2 एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 यहाँ तक 10 देन 12 उसके बाद 14। अब 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं तो एक एक करके भरेंगे हुंसुल से, बिकॉज सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एक एक करके भरे जाते हैं, तो इनमें 2-0 नहीं करेंगे, यहाँ 1-1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक भर दिया, ये 0 हो गया। तो O2 में ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और इन दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो गई 2। अब यदि मैं O2 प्लस लेता हूँ तो इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 15 में एक कम हो जाएगा, तो इसको निकाल लूँ मैं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अगर मैं O2 माइनस कर देता हूँ तो मैंने O2 माइनस कर दिया 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा मैं, कि यहाँ पर ये दोनों थे, मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि पाई 2px में 1 एंटी बॉन्डिंग, सिमिलर एनर्जी पाई 2py में 1 एंटी बॉन्डिंग। ये तो था 16 इलेक्ट्रॉन वाले केस में, यहाँ तक भरा मैंने, 15 में एक ही निकाल लूँ मैं तो मेरे पास आ गया पाई 2px1 एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और इसमें 0, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1। अगर मैं एक और भरा दूँ, बढ़ा दूँ, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर क्या होगा, कि पाई 2px2 और यहाँ पाई 2py1 एंटी बॉन्डिंग में, जैसे मेरे पास यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन हो गए कितने,
14, 14 के बाद मुझे तीन और भरने हैं, तो 2 और 1 भर देंगे। अगर एक और भरेगा तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ भरने के लिए एक ही होगा तो 10, अगर यहाँ भरने के लिए 2 होगा तो 11, 3 होगा तो 21, 4 होगा तो 22। इसका मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। तो आंसर जो है वो कौन सा होगा? O2 प्लस एंड O2 माइनस, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है, थर्ड ऑप्शन इज O2 प्लस एंड O2 माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ब्रोमीन लिक्विड के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज x किलो जूल पर मोल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन इज y किलो जूल पर मोल, देन व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ब्रोमीन लिक्विड के लिए इसने दिया है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इसको पूरा तोड़ के हम एटम के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। तो पूरा तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको जो है 2Br, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ, सबसे पहले तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, Br2 गैस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये डेल्टा एच क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। लिक्विड को पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस गैस को पूरा तोड़ देंगे, क्योंकि ब्रोमीन मॉलिक्यूल का मतलब है 2 ब्रोमीन एटम। तो जब हम इसको अलग कर देंगे बिल्कुल, तो 2Br मुझे गैस एटम मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ तक जो एनर्जी लगी वो डेल्टा एच हमें दिया हुआ है x किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसमें मुझे देखना है, यानी कि अगर यहाँ एनर्जी जो है डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, अच्छा ब्रोमीन गैस से 2Br गैस बना रहा हूँ, इस एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है हमेशा वैलिड होती है कि जब हम किसी गैसियस कंपाउंड को तोड़कर गैसियस एटम बनाते हैं। तो गैसियस कंपाउंड है Br2 और गैसियस एटम 2Br मिल गए, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगी उसको अपन बोल रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्वेश्चन में और यहां से यहां तक जो लगी ये पूरी एनर्जी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी एनर्जी जो है प्लस साइन रखती है, रिक्वायर्ड एनर्जी है पॉजिटिव, ये भी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव, और ये भी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, स्लो से हमने इसको देख लिया कि चाहे इसको 2 स्टेप में करें चाहे सिंगल स्टेप में करें एनर्जी चेंज इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का सम डेल्टा एच वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इन दोनों का सम होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू इसने दी हुई है एक्स और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हुई है वाई। मैथमेटिकली आप समझ ही सकते हैं कि इसको जोड़ने पर इसके साथ ये चीज आ रही है। इसका मतलब चूंकि ये वैल्यू है इसलिए एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? वाई। इन दोनों का सम इसके बराबर है तो डेफिनेटली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ग्रेटर देन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि है गैस से गैस बनाने वाली एनर्जी रिक्वायर्ड, और एटोमाइजेशन है कि इस लिक्विड को पूरा तोड़कर गैसियस एटम बनाने की रिक्वायर्ड एनर्जी। लेकिन हमें लिक्विड को पहले गैस में बदलना पड़ा फिर हम इसको तोड़ रहे हैं। तो ये वाली चीज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये वेपोराइजेशन और ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो आंसर इसमें फर्स्ट वाला होगा एक्स ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो वाटर के साथ एसिड देते हैं। बेसिक कौन से होते हैं? जो वाटर के साथ बेस फॉर्म करते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। अब मोरेवर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इसमें आपको जो है यहाँ MgO, P4O10 इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह के ऑक्साइड है। जैसे MgO पहला ऑप्शन विचारते हैं हम, तो एसिडिक ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड अगर हम वाटर में मिक्स करें तो इट मस्ट गिव एसिड, इट मस्ट फॉर्म एसिड। बेसिक ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं कि जब हम इसको वाटर में मिक्स करें तो इट मस्ट गिव बेस। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता हो।
एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता हूँ। तो मान लो मैं पहला ऑप्शन विचारता हूँ, तो MgO और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, MgOH2। MgOH2 चूंकि OH दे सकता है इसलिए बेस है, तो हम MgO को क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। MgO को क्या बोलेंगे, बेसिक ऑक्साइड। अच्छा P4O10 है, अगर हम पानी में इसको डालते हैं तो इट विल फॉर्म H3PO4 एसिड। तो चूंकि एसिड दे रहा है इसलिए हम इस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। और L2O3 की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो इट फॉर्म्स AlCl3, और अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो इट फॉर्म NaAlO2। तो चूंकि दोनों से ही रिएक्शन कर सकता है इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एम्फोटेरिक। अब एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है कि हमें किस ऑर्डर में देखना है, कि पहला होना चाहिए एसिडिक, देन बेसिक एंड देन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक तो अब मैं सेकेंड ऑप्शन पे आता हूँ कि N2O3 को अगर हम पानी में डालें तो इट फॉर्म्स HNO2। इसका मतलब एसिड दे रहा है तो ये तो हो गया एसिडिक। दूसरा ऑक्साइड है सेकेंड ऑप्शन में Li2O, इसको H2O में डालें तो ये बनाएगा LiOH। ये चूंकि बेस है इसलिए ये दूसरा ऑक्साइड कौन सा हुआ, बेसिक। और तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है L2O3 जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यदि अपन आंसर में देखें तो एसिडिक देन बेसिक एंड देन एम्फोटेरिक। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन N2O3 Li2O एंड L2O3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कि कॉम्प्लेक्स CrH2O6ClN शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑल्सो रिएक्ट्स विद AgNO3 सॉल्यूशन एंड गिवन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.8 बोर मैग्नेट्रॉन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम ये बोलेंगे, इसमें गिवन क्या है कि CrH2O6ClN, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ये बोल रहा है कि इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, प्लस ये बोल रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है 3.8 बोर मैग्नेट्रॉन। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि इससे अपन देख लेते हैं कि म्यू का फॉर्मूला होता है √N(n+2), और ये n जो है ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। व्हाट इज n, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि मैं यहां सॉल्व करूं, ठीक है, तो n की वैल्यू आने वाली है 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्रोमियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, ठीक है। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं इसमें से तो क्रोमियम आ गया +3 स्टेट में और ये हो जाएगा 3d3, ठीक है, और 4s0, ठीक है। 3d3 में यदि आप भरोगे तो यहाँ पे एक एक करके यदि मैं भरूँ तो 1, 2 और 3 और 2 यहाँ पे खाली बच जाएंगे। इसका मतलब क्रोमियम मस्ट बी इन +3 स्टेट। इस इंफॉर्मेशन से क्या पता लगा मुझे कि क्रोमियम मस्ट बी इन +3 स्टेट। अब क्रोमियम को +3 स्टेट में डालने वाली चीज कौन सी है कि अगर मैं यहाँ से क्रोमियम H2O6Cl3 को देखूँ तो वाटर है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और क्लोरीन जो है इसने N दिया हुआ था तो N की संख्या यदि मैं 3 लेता हूँ तो क्लोरीन चूंकि -1 स्टेट रखता है इसलिए क्लोरीन चूंकि -1 स्टेट रखता है तो क्रोमियम पे आना चाहिए +3 स्टेट। तो मुझे सबसे पहले तो ये पता लग गया इस क्वेश्चन में कि क्रोमियम इसका करेक्ट फार्मूला क्या है, H2O6Cl3, 3 क्लोरीन इस पूरे मॉलिक्यूल में है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता लगी मुझे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकाल दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के 3, तो क्रोमियम इन +3 स्टेट मतलब कि क्लोरीन की वजह से आएगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो N की संख्या 3 होनी चाहिए, ये मुझे आइडिया लग गया। लेकिन अभी एक चीज़ और इसने दी हुई है कि इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए
हम यहाँ पे ये चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रखना चाहिए क्योंकि प्लस थ्री में मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है, तो मैं यहाँ पे तीन संभावना बना सकता हूँ, सी आर एच टू ओ सिक्स और बाहर तीनों सी एल रख दूँ मैं, या मैं रख सकता हूँ सी आर एच टू ओ फाइव सी एल और दो सी एल टू बाहर और एक वाटर बाहर, या मैं तीसरी संभावना बना सकता हूँ, इधर रखता हूँ सी आर एच टू ओ फोर सी एल टू एक सी एल बाहर और एक वाटर बाहर। अगर मैं इस पॉइंट से देखूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, कौन शो करेगा, ये वाला। कैसे शो करेगा कि यदि मैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे इधर एक सी एल इधर एक सी एल इस तरफ वाटर इस तरफ वाटर ये रख के जमाऊँ, दोनों क्लोरीन एक ही साइड में, ये सिस, यदि मैं इन दोनों लिगेंड को एक्सचेंज करवा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ H2O, यहाँ पे Cl H2O, दोनों क्लोरीन आ गए अपोजिट, अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांस, और यदि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है सिस और ट्रांस, इट मीन्स इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक आ गए अपन, हमें ये फार्मूला पता लग गया, लेकिन क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले नेमिंग हम इधर से करेंगे, फोर फोर का मतलब टेट्रा, लिगेंड वाटर एक्वा, दो क्लोरीन डाई क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, डाई क्लोराइडो, उसके बाद मेटल का नाम आएगा क्रोमियम, ठीक है, स्टेट इसकी थर्ड, ठीक है, क्रोमियम की स्टेट थर्ड, उसके बाद बाहर वाले आयन को लिखूंगा मैं क्लोराइड, ये फ्री आयन है तो क्लोराइड, और एक वाटर है तो हाइड्रेट, दो वाटर है तो हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक थी, H2O4 और दो वाटर होने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास H2O कितने थे, सिक्स, तो नाम में क्लोराइड डाई हाइड्रेट। तो इधर हम आ जाते हैं सॉल्यूशन वाले केस में कि इसका सही नाम क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, ठीक है, या क्लोरो बोल दूं मैं उसे, उसके बाद यहाँ सी आर यानी कि क्रोमियम थर्ड, उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड और दो वाटर के लिए डाई हाइड्रेट, ठीक है, तो ये इसका सही सॉल्यूशन है।